आइए तो दोस्तों आज हम देखते हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि 01 नैपसैक प्रॉब्लम होता क्या है। 01 नैपसैक प्रॉब्लम में हमारे पास एक बैग दिया होता है, उसके साथ कुछ कैपेसिटी एसोसिएट होता है और कुछ आइटम्स दिए हुए होते हैं, उनके साथ वेट और प्रॉफिट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो हमें इस बैग में उन आइटम्स को इस तरीके से रखना है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है, और वो हमारा कैपेसिटी भी एक्सीड ना करे। और हाँ दोस्तों, इस प्रॉब्लम का नाम 01 नैपसैक इसलिए पड़ा क्योंकि तो इस बैग को हम एक तरह से नैपसैक बोल सकते हैं, और यहाँ पे 01 का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो मैं टोटली लूंगा या तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मैं उसका टुकड़ा करके नहीं ले सकता हूँ, जैसे कि हम ग्रीडी नैपसैक में लेते थे। ठीक है, उसे हम अलग से देखेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम्स में, लेकिन अभी हम 01 नैपसैक पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो किसी भी आइटम के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमें उस आइटम को लेना है या तो हमें उस आइटम को नहीं लेना है। मान लीजिए हमारे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हमारा ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है। ये रहा हमारा 3 आइटम, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, या तो मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को लूंगा या तो मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट के बिना अपना मैक्सिमम प्रॉफिट वाला बैग बनाऊंगा। ठीक है, तो इधर मैं पहले वाले आइटम को नहीं लेता हूं और मेरे पास उसके बाद बचेगा सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम में से चूज करने के लिए, और मैं इस साइड क्या करता हूँ, पहले वाले आइटम को ले लेता हूँ और हम सेकेंड और थर्ड आइटम में से किसे चूज करेंगे किसे चूज नहीं करेंगे उसका डिसीजन को अभी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, वैसे ही इन दोनों में से अब हम क्या करते हैं, 2 को नहीं लेते हैं। ठीक है, इस साइड और इस साइड 2 को लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, बैग में इधर कुछ भी नहीं रहेगा और हमारे पास 3 के लिए एक डिसीजन लेना बाकी रहेगा। ठीक है, और इस साइड क्या होगा, हमारे बैग में 2 चले आएगा और हमारे पास 3 पर डिसीजन लेना बाकी रहेगा। वैसे इस साइड देखिए दोस्तों, इस साइड हम पहली बार 2 को लेंगे बैग में, सेकेंड टाइम 2 को बैग में नहीं लेंगे, तो हमारे पास बैग में रहेगा 1 और हमारे पास डिसीजन लेना बाकी रहेगा थर्ड एलिमेंट पे। ठीक है, और वैसे ही इस साइड हमारे बैग में आ जाएगा 1 और 2 और डिसीजन लेना बाकी रहेगा थर्ड एलिमेंट पे। वैसे इस साइड देखिए, इस साइड क्या होगा, हम थर्ड को नहीं लेंगे थर्ड एलिमेंट को और इस साइड हम थर्ड एलिमेंट को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस साइड हमने थर्ड एलिमेंट को नहीं लिया तो हमारे बैग में कुछ नहीं है, और इस साइड हमने थर्ड एलिमेंट को ले लिया, हमारे बैग में आ गया थर्ड। वैसे ही दोस्तों इस साइड देखिए क्या होगा, 2 के साथ हम बैग में 3 को इस साइड नहीं डालेंगे और इस साइड डालेंगे, तो हमारे इस साइड बैग में आएगा बस सेकेंड एलिमेंट और इस साइड आएगा बैग में सेकेंड और थर्ड एलिमेंट। ठीक है, वैसे इस साइड क्या होगा हमारा, ये वाले कॉम्बिनेशन के लिए अब हम थर्ड पे डिसीजन ले रहे हैं और इस साइड हम क्या करेंगे, बैग में थर्ड को नहीं डालेंगे और इस साइड क्या करेंगे, हम बैग में थर्ड एलिमेंट को डालेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा इसमें क्या होगा, अब हम थर्ड पर डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे बैग में इस साइड में थर्ड को नहीं डालूंगा। ठीक है, और इस साइड में बैग में थर्ड को डालूंगा। तो दोस्तों ये रहा टोटल कॉम्बिनेशन जो कि हमारा जनरेट हो रहा है 3 ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। ठीक है, क्या है ये कॉम्बिनेशन, जिस पहले कॉम्बिनेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरे में थर्ड ऑब्जेक्ट है, सेकेंड में सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन में हमारा सेकेंड और थर्ड दोनों ऑब्जेक्ट है और एक कॉम्बिनेशन में हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट है और लास्ट कॉम्बिनेशन में हमारा 3 ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसमें से हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ठीक है, जो कि हमारा कैपेसिटी
जो कि हमारा बैग का कैपेसिटी को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो ये हुआ हमारा टोटल कम्बिनेशन, और इसमें से हम चूज करेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट रहता है तो टोटल कम्बिनेशन जनरेट कितना हो रहा है हमारा, 2 to the power 5। वैसे ही अगर हमारे पास फोर ऑब्जेक्ट्स रहता, सॉरी 2 to the power 3, और वैसे ही हमारे पास अगर एन ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हमारे पास टोटल कम्बिनेशन जनरेट होते हैं 2 to the power n, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, एक तरह से प्रोग्राम या प्रोसीड्योर जो भी आप समझ दो, ये टोटल एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें से हमें सारे ऑप्शन को पहले चेक करना पड़ेगा और फिर देखेंगे कि जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, कीपिंग इन माइंड कि वो हमारा कैपेसिटी एक्सीड ना करे, ठीक है। और उसके बाद हम उसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या हम इसके लिए कुछ बेटर कर सकते हैं? बेटर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, ना तो हम ग्रेडिएंट देख रहे हैं, ना तो डिवाइड एंड कंक्वर देख रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कि हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं कि नहीं। और जहां तक आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का याद हो, तीन कंडीशन, तो वो तीन कंडीशन था दोस्तों। पहला, इस प्रोग्राम के लिए हमें एक रिकर्सिव सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के लिए। फिर उसमें देखना पड़ेगा कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है कि नहीं। उसके बाद और तीसरा देखना पड़ेगा कि ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके लिए कि रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। आइए तो दोस्तों, अब हम देखते हैं उसके लिए कि हम रिकर्सिव प्रोसीड्योर कैसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक चीज नोट करा दूं कि मान लीजिए वो हमारा एक केएस करके एक प्रोसीड्योर है जो कि हमें ये कैलकुलेट करके देगा। इसको मैं दो पैरामीटर पास करूंगा, एक कैपेसिटी और एक नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। हमारे पास कितने आइटम है कंसिडर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। दो कैपेसिटी पास करेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास अब क्या क्या ऑप्शन है, और हाँ दोस्तों, इसे मैं शॉर्ट टर्म में आपको समझाने के लिए अभी NUM ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं जब इसके लिए फंक्शन कॉल लिखूँ अंदर में तो वो मुझे छोटा पड़े। होप कि आप ये समझ जाओ, ठीक है। तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ आइटम 4 है तो हम मान लीजिए यहाँ पर भी पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, सॉरी तीन पॉसिबिलिटी है, या तो हम इस एलिमेंट को लेंगे या तो नहीं लेंगे। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मान लीजिए ये एलिमेंट के साथ जो वेट एसोसिएटेड है वो अगर हमारे बैग का कैपेसिटी से ज़्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हमें उस ऑब्जेक्ट को छोड़ना ही पड़ेगा और बाकी के ऑब्जेक्ट्स में हमें ढूंढना पड़ेगा अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वेट ऑफ नम इज ग्रेटर देन कैपेसिटी, ठीक है। अगर ये ग्रेटर हुआ कैपेसिटी से तो हम क्या करेंगे, इफ, तब हम फिर से नैपसैक चलाएंगे विथ सेम कैपेसिटी, एंड अब हम ये वाले आइटम को, ये दोस्तों बस एज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आप ये मत समझिए कि ये एग्जैक्टली यही ऑब्जेक्ट है, और आप ये मत सोचिए कि बैग का तो कैपेसिटी मैंने 5 kg लिया था तो ये यहाँ पे आ रहा है। आप बस ये समझिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका कि वेट जो है अपने बैग का कैपेसिटी से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे इसका वेट है 4 kg, और अगर हमारा बैग का कैपेसिटी होता 4 kg, सॉरी बैग का कैपेसिटी होता 2 kg, और हमारा
एटम का वेट होता 4 kg, तो क्या हम उसे ले पाते? नहीं ले पाते ना, तो हमें उसे छोड़ना पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करते, नैपसैक चलाते सेम कैपेसिटी के साथ, लेकिन अब हमारे पास एटम कितना कंसिडर करने के लिए बचता, ये दोनों, ठीक है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नम -1, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारे ये कंडीशन, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो ज्यादा होगा हमारे बैग के कैपेसिटी से, ठीक है। और एक और कंडीशन है हमारे पास जो कि है कि अगर वो ऑब्जेक्ट का वेट जो है हमारे बैग के कैपेसिटी से कम है, तो हमारे पास दोस्तों वहां पे दो ऑप्शन बचता है, या तो मैं उस ऑब्जेक्ट को लूँ या तो मैं उस ऑब्जेक्ट को नहीं लूँ, ठीक है, बैग में। और उन दोनों में से जो हमें मैक्सिमम दे उसे मैं अपने आंसर में कंसिडर करूँ, ठीक है। तो हम दोस्तों इसे कैसे लिखेंगे, हम मैक्स लेंगे दोनों में से, और हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मैं उसे लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं उसे लेता हूँ तो उसके साथ जो प्रॉफिट एसोसिएटेड है वो हमें मिल जाएगा, और वो प्रॉफिट को हम कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ नम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और फिर हम बाकी के ऑब्जेक्ट पे ये नैपसैक प्रोसीड्योर चलाएंगे विथ डिक्रीज कैपेसिटी, क्योंकि चूंकि मैंने अब उस ऑब्जेक्ट को अपने बैग में ले लिया तो अब तो बैग का कैपेसिटी घट जाएगा ना। तो कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ नम, ठीक है दोस्तों। और सेकंड पैरामीटर हमारा क्या होगा, अब मैंने वो वाले ऑब्जेक्ट पे डिसीजन ले लिया है, तो अब हमें डिसीजन लेना होगा बाकी सारे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होगा कि हम इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। और हमको नैपसैक चलाना पड़ेगा बाकी के आइटम पे, फिर से ये प्रोसीड्योर चलाना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि हमने किसी भी आइटम को लिया नहीं, ये वाले आइटम को, तो हमारा कैपेसिटी बैग का ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। और अब हम बाकी के आइटम पे ये नैपसैक फंक्शन चलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या नोटिस किया कि एक बार मैं उस आइटम को लेके वैल्यू निकाल रहा हूं, और दूसरी बार मैं उस आइटम को छोड़ के वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। और उन दोनों में से जो मुझे मैक्स दे रहा है मैं उसे कंसिडर कर रहा हूँ। ये तो रहा हमारा फंक्शन, लेकिन हर रिकर्सिव फंक्शन का एक बेस केस होता है। यहाँ पे हमारा बेस केस क्या होगा दोस्तों, पहला तो ये कि हमारे बैग के पास कुछ कैपेसिटी ही नहीं बचा हो, ठीक है। डेट इज इफ कैपेसिटी इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और आइटम भी कंसिडर करने के लिए नहीं बचा हो, नम इज इक्वल टू 0। तो यहां से दोस्तों मैं डायरेक्ट ही रिटर्न कर दूंगा 0। तो दोस्तों ये रहा हमारा रिकर्सिव प्रोसीड्यूर, और जहां तक आप देख रहे होंगे हमें एक रिकर्सिव सॉल्यूशन मिल गया इस प्रोग्राम के लिए। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर मिला कि नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये नैपसैक हमारा ये मेन जो है अगर हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, तो जाहिर सा बात है कि ये भी नैपसैक एक इसी के जैसा एक नैपसैक फंक्शन है, तो ये भी हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही देगा दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा दो टिक अभी हो गया, पहला क्या रिकर्सिव सॉल्यूशन मिल गया हमें इसके लिए, ठीक है, और दूसरा ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिपीटिंग प्रॉब्लम के लिए, जिसे आप बोलते हो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इसमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है।